अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, आज हम जिस टॉपिक पर हम बात करेंगे गाइस, कैली क्वाइन का नाम है, KLC क्वाइन का नेम है और काफ़ी बेहतरीन किस्म का प्रोजेक्ट है। काफ़ी सिक्योर आप मनी इसमें ट्रांसफ़र कर सकते हो और इस क्वाइन को आप इजीली बाय कर सकते हो बाय KLC क्वाइन पे क्लिक करके। उसके अलावा गाइस, अगर मज़ीद बात करें, जैसा कि ये प्रोजेक्ट डिस्क्रिप्शन लिखी हुई है, क्रिप्टो करेंसी फॉर द रियल मार्केट, कैलीकॉइन वॉज क्रिएटेड टू एनेबल फास्ट एंड सिक्योर क्रॉस बॉर्डर मनी ट्रांसफ़र। KLC इज़ द टोकन दैट पावर्स द कैली पे पेमेंट परफॉर्म प्लेटफॉर्म रिवार्ड्स प्रोग्राम। इट विल आल्सो बी यूज्ड एज अ मींस ऑफ पेमेंट एट पार्टनर मर्चेंट्स। बाकी ये फ्रेंच में इनका वाइट पेपर है एंड इंग्लिश में वाइट पेपर है, आप इनके ऊपर क्लिक करके रीड कर सकते हैं और मज़ीद जान सकते हैं वाइट पेपर के अंदर भी इस प्रोजेक्ट के बारे में। बाकी यूजबिलिटी लिखी हुई है, कैली क्वाइन इज़ पार्ट ऑफ एन इकोसिस्टम दैट इंक्लूड टू सेक्टर्स। पहला सेक्टर्स है कैली पे द मल्टी करेंसी ट्रांसफ़र प्लेटफॉर्म, जबकि दूसरा है इनका कैली मार्केट द क्रिप्टो मार्केट प्लेस। In addition to the transfer, the stacking of the KLC stacking entitles you to an annual fee. Uske ilawa Kalycoin will be used as a means of payment on the first marketplace accepting cryptocurrency payments. Aur yahan par agar mazid baat kare Kali Pay ke bare mein, for a harmonized increase 20% of the profit will be reinjected into the liquidity pools to maintain its price. बाकी अगेन इन्होंने अपने वाइट पेपर के लिंक दिए हुए हैं फ्रेंच और इंग्लिश में। उसके अलावा ये टोकन डीफाई के बारे में लिखा, टोकन डीफाई पार्टिसिपेंट इन द डिसेंट्रलाइज्ड फाइनेंस, KLC डीफाई टोकन ऑन द बाइनांस स्मार्ट चेन दैट अलाउज यू टू पार्टिसिपेट इन द डिसेंट्रलाइज्ड फाइनेंस बाय इन्वेस्टिंग वाई द लिक्विडिटी पूल्स ऑफ AMM ऑटोमेटेड मार्केट मेकर प्लेटफॉर्म्स। इट इज़ डिज़ाइंड बोथ टू रिवॉर्ड Kali Pay customers for their card spending and to integrate the platform with the next generation of decentralized finance ecosystem DeFi. बाकी ये इसको कैलीकॉइन को चूज़ क्यों करें, सो यहाँ पर लिखा हुआ है ये रिलायबल ट्रांजेक्शन है इनकी, इंटरनेशनल ट्रांसफर्स है और क्विक ट्रांजेक्शन है, बाकी सिक्योर पोर्टफोलियोज हैं इनके, KYC AML रेगुलेशन है, जबकि उसके अलावा गाइज डिसेंट्रलाइज एक्सचेंज भी है इनकी। बाकी बात करें गाइस इनके रोड मैप की, सो गाइस ये इनका रोड मैप है और ये आप यहाँ पर इजीली रीड कर सकते हैं। जिस तरह के Q1 के अंदर इन्होंने लॉन्च ऑफ द कैली पे प्लेटफॉर्म, कैली पे ऐप डेवलपमेंट है। Q2 के अंदर बात करें सो डेवलपमेंट ऑफ द कैली पे सिस्टम, डेवलपमेंट ऑफ KLC ऑन बाइनांस स्मार्ट चैन है, प्राइवेट सेल है, लिस्टिंग ऑन ला टोकन है और लिस्टिंग ऑन P2P B2B, काफ़ी अच्छी एक्सचेंजेस है। बाकी लॉन्च करेंगे ICO एंड IEO KLC के इंटीग्रेटेड पेमेंट APIs के बारे में। बाकी ये यहाँ पर आप 2022 के बारे में रीड कर सकते हैं, बाय कर सकते हैं। यहाँ पे अगेन इन्होंने लिंक दिया अपने KLC क्वाइन का। बाकी इनकी टीम है गाइज, इनकी CEO है, COO है, CTO है, CFO है, लीगल मैनेजर है इनके और ये इनके एडवाइज़र है। सो उसके अलावा गाइज इनके और लिंक्स वगैरह हैं जिनके थ्रू आप इन्फॉर्मेशन ले सकते हैं, ऑडिट वगैरह रीड कर सकते हैं, GitHub है और ये ब्लॉक एक्सप्लोरर है और ये प्रोजेक्ट के बारे में यहाँ पर इन्होंने दिया हुआ है, यूजबिलिटी है, डिसेंट्रलाइज्ड फाइनेंस है और रोड मैप है। तो गाइज उसके अलावा अगर मजीद बात करें इस प्रोजेक्ट के बारे में, सो इनकी एक बॉन्टी भी स्टार्ट है जिसको आप इजीली ज्वाइन कर सकते हैं गाइज, 50,000 USDT वर्थ के टोकन है, ये डिस्ट्रीब्यूट करेंगे। सो ये कुछ प्रोजेक्ट के बारे में लिखा हुआ है यहाँ पर, बाकी इनकी वेबसाइट यहाँ पर दी हुई है। और बात करें मजीद यहाँ पर जो टर्म्स एंड कंडीशन है, 23 अप्रैल से इनकी बॉन्टी स्टार्ट हुई है और May 20 तक ये चलेगी, 4 वीक्स की इनकी बॉन्टी है। विद इन 2 मंथ्स पार्टिसिपेंट जो इसमें पार्टिसिपेट करेंगे, विद इन 2 मंथ जो ही बॉन्टी ख़त्म होगी उसके बाद 2 महीने के अंदर अंदर ये आपके अकाउंट में कॉइन्स वगैरह भेज देंगे। बाकी गाइस ये यहाँ से आप देख सकते हैं कि आपने क्या करना है, यहाँ पर आ जाना है, प्रो ऑथेंटिकेशन में कॉइन्स बिट का रजिस्ट्रेशन ईमेल दे देना है, टेलीग्राम का यूज़र नेम, किस कैंपेन के लिए आप अप्लाई करें आपने वो लिख लेना है। बाकी बात करें सो यहाँ पर गाइस रिवार्ड एलोकेशन की, सो हमारे पास काफ़ी अच्छे खासे इनके जो है प्रोग्राम्स वगैरह यहाँ पे चल रहे हैं, जिस तरह के वीडियो आर्टिकल है, ट्विटर, टेलीग्राम, फेसबुक, इंस्टाग्राम और रिजर्व फंड, इन तमाम में आप पार्टिसिपेट कर सकते हैं। हर एक कंपेन का अलग फॉर्म होगा, तो वो भी आपने फिल करना हो, वो भी मैं आपको बताता हूँ। वीडियो कंपेन की बात करें, जितने अच्छे खासे सब्सक्राइबर उतने अच्छे खासे आपको स्टैक्स मिलेंगे गाइज, 1 वीक में 1 वीडियो अपलोड करनी है, उसके अलावा गाइज ज़्यादा आपने नहीं करनी, और यह उसको या यूट्यूब पे अपलोड करें या टिकटॉक पे, 70+ वर्ड्स का आपने ओरिजिनल टेक्स्ट भी लिखना होगा एंड उसके अलावा बात करें मज़ीद हैशटैग वगैरह भी यूज़ करने होंगे। सोशल नेटवर्क जो है इसको भी आपने ज्वाइन करना होगा और मज़ीद इन्फॉर्मेशन यहाँ से भी आप ले सकते हैं। बाकी WP भी आपने इसका लिंक भी देना होगा डिस्क्रिप्शन के अंदर। सो ये ग्रुप्स हैं इनके, तो किसी किस्म का क्वेश्चन इन ग्रुप्स के अंदर आप पूछ सकते हैं,
बाकी गाइज ये इनका फॉर्म है, इनकी स्प्रेडशीट है, तो फॉर्म मैं आपको बता देता हूँ। फॉर्म आपने लाजमी फिल करना होगा, जिस भी कंपेन के अंदर गाइज आप पार्टिसिपेट करेंगे उसका फॉर्म आपने लाजमी कंप्लीट करना होगा। सो आपने फॉर्म का यूजर नेम, फॉर्म ऑथेंटिकेशन, पोस्ट लिंक, वीडियो का लिंक डाल दें, फॉलोअर्स कितने हैं वो आपने लिख लेने हैं, टेलीग्राम का यूजर नेम है डायरेक्ट के साथ दे देना है, कॉइंस बिट का रजिस्ट्रेशन ईमेल यहाँ पर आपने पुट करके सबमिट पर क्लिक कर देना है, सो इसमें पार्टिसिपेट कर जाएंगे। सेम एज इट इज आप आर्टिकल कंपेन भी ज्वाइन कर सकते हैं, जितना अच्छा खासा आर्टिकल उतने अच्छा खासा आपको स्टैक्स मिलेंगे। एक वीक में एक आर्टिकल आपने अपलोड करना है, 4 आर्टिकल्स टोटल आपने अपलोड करने हैं और मिनिमम 500 वर्ड्स का आपका आर्टिकल हो जाना चाहिए, जिसके 10 लाइक्स, कमेंट्स, अपवोट्स या 100 क्लैप्स होने चाहिए। बाकी 70 प्लस वर्ड्स का आपने ओरिजिनल टेक्स्ट लिखना होगा कैली कॉइन के बारे में, और ये हैशटैग वगैरह आपने लाजमी यूज़ करने होंगे। उसके अलावा ये फॉर्म है, स्प्रेडशीट है, और फॉर्म आपने लाजमी फिल करना होगा, इसमें आपने पार्टिसिपेट करना है। ट्विटर कंपेन ने जितने अच्छे खासे फॉलोअर्स, जितने अच्छे खासे स्टैक्स पर वन ट्वीट या रीट्वीट के आपको वीकली बेसिस पे दिए जाएंगे। 300 फॉलोअर्स का होना लाजमी है, बाकी इनके पेज को आपने फॉलो करना है। पार्टिसिपेंट जो है 10 न्यू ट्वीट्स कर सकते हैं और 10 रीट्वीट्स पर वीक के हिसाब से कर सकते हैं, मैक्सिमम 2 ट्वीट्स और 2 रीट्वीट्स पर डे कर सकते हैं। हैशटैग वगैरह आपने यूज़ करने होंगे, बाकी ये फॉर्म है, स्प्रेडशीट है, इस तरीके से वीकली रिपोर्ट सबमिट करने होंगे, लाइक वीक, डेटा, ठीक है। और उसके अलावा आपने गाइस ट्विटर का प्रोफाइल लिंक दे देना है, बाकी ये ट्वीट्स और रीट्वीट्स के लिंक दे देना है। टेलीग्राम कंपेन की बात करें, एक कमेंट का एक स्टैक, 10 स्टैक्स आर 1 टाइम आपको दिए जाएंगे वेरिंग नेम के, ठीक है। अपने नेम के आगे सिंपल आपने ये लगा देना है, ठीक है, और लोगो आपने इनका यूज़ करना है, इनका अवेटार है, ये फॉर्म है, स्प्रेडशीट है। उसके अलावा गाइज आपने 10 कमेंट्स करने हैं पर वीक के हिसाब से, मैक्सिमम 2 कमेंट्स जो हैं पर वन डे के आपने करने होंगे। सो ये इस तरीके से वीकली रिपोर्ट सबमिट करने। फेसबुक कंपनी ने जितने अच्छे खासे फॉलोअर्स प्लस फ्रेंड्स आपके होंगे उतने अच्छे खासे आपको स्टैक्स मिलेंगे पर वन पोस्ट या रीपोस्ट के पर वीक के हिसाब से। 300 फ्रेंड्स का होना लाजमी है, बाकी 10 पोस्ट और 10 रीपोस्ट आपने वीकली बेसिस पे करनी है। सो गाइज 2 पोस्ट और 2 रिपोस्ट आपने एक दिन में करनी है। ये फॉर्म है, स्प्रेडशीट, इस तरीके से वीकली रिपोर्ट सबमिट करनी होगी। इंस्टाग्राम कंपेन है, इंस्टाग्राम कंपेन में भी गाइज जितने अच्छे खासे सब्सक्राइबर उतने अच्छे खासे स्टैक्स आपको मिलेंगे, सो आप इसको भी ज्वाइन कर सकते हैं। एंड उसके अलावा 300 सब्सक्राइबर का होना लाजमी है। सो और सेटिंग वगैरह आपने जो ओपन रखनी है अपने पेज की, इंस्टाग्राम अकाउंट पे आपने इनको फॉलो करना है, हैशटैग वगैरह अपने पोस्ट में यूज़ करने हैं, बाकी ये फॉर्म है, स्प्रेडशीट, इस तरीके से आपने वीकली रिपोर्ट सबमिट करनी होगी। उम्मीद है वीडियो आपको पसंद आई होगी। गाइस किसी किस्म का क्वेश्चन है इस प्रोजेक्ट से रिलेटेड तो आप कमेंट में पूछ सकते हैं। मिलते हैं इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में, दुआ में दरके, अल्लाह हाफिज़।